डूबते को तिनके का सहारा। ये कहाँ जा रहे हैं हम भाई? वो वाली ठंड है, वो वाली। बोल शंकर भगवान की जय। ऑटो ऑटो कट फुल कर दो। ऑटो कट हाँ। टाइम है 2:56, दिल्ली से निकल रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर ना दिल्ली क्रॉस नहीं हुआ है अभी, और फॉग आपने देख ली कितनी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा अगर आगे पूरे रास्ते ऐसे फॉग मिलेगा तो ड्राइव कैसे होगी। लेट्स सी। फ्रंट वाली तो उसको मैंने जब विंडशील्ड चेंज कराई थी तो ये मैंने ना पुराने वाले ग्लास में से उतरवा करके इसमें लगवाया है। हो सकता है इसका टैंक खराब हो गया हो, माइट भी यही इशू हो सकता है, बिकॉज और तो कुछ इशू हो नहीं सकता। डूबते को तिनके का सहारा। ये बस आ गई बनके हमारा सहारा। अभी बस के जरिए चलूँगा यार, वरना मैं चलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक बार को सोचा कि गाड़ी रोक लेता हूँ, फॉग कम होगा फिर चलेंगे। फिर देखो ये गाड़ी भी चल रही है इसी के सहारे। 7:10, अब मच बेटर है भाई। पहला स्टॉप है दिल्ली से यार। भूख लग रही थी यार, तो यहाँ पे हमने चाय और पराठा। हेलो कैच, राम राम। क्या पसंद जल्दी है? बढ़िया, अच्छी है। दिल्ली से है? दिल्ली से ज़्यादा है, थोड़ी सी। बस यार अब चलते हैं, चाय पीनी नहीं है तो भाई। अब आगे की साइड भैया कीनू का जूस दे दो। कितने का ग्लास है? कितने का? 50 रुपये। 50 रुपये का? चलो एक बनाओ जरा, कैसा है? अच्छा लगेगा तो बनवाएंगे। और देख भाई, एक नंबर। अब हम इस टाइम शिमला के अंदर हैं और देख लो कैसा वेदर हो रहा है। तो हमें तो बिल्कुल रुकने का मन नहीं है फिलहाल। हमने अपने होटल बुक कर लिया है कुफरी में आज रुकेंगे, और सही लगेगा तो ठीक है, वरना कल हम अरकंडा। भाई फर्स्ट दर्शन ऑफ स्नो, गंदी स्नो है बट हाँ हमें थोड़ा सा स्नो का मिल गया है। ये कहाँ जा रहे हैं हम भाई? शमशान एरिया भाई। भारी मिस्टेक हो गया कि होटल बुक कर लिया और उसके एड्रेस में कुफरी लिखा था हमने, क्योंकि शिमला वाले नया है तो कुफरी डाल दिया भैया। अब वो निकल के आया, कुफरी की हील है। होटल वाले से बात हुई है, कह रहे यहाँ जाओ यहाँ आ जाओ। भैया बिल्कुल एक हील के नीचे उतार दिया हमें। कोई गाड़ी नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई परिंदा, अनंता ही नहीं भाई। पता नहीं कौन सा काला डूंगा का रहस्य है वहाँ जा रहा है। पीछे मुड़ना है, नीचे मुड़ना है, यहाँ से मुड़ना है। अब देखो कैसे मुड़ना है, इसमें मुड़ना है।
भाई 35 से 40 मिनट की जद्दोजहद करने के बाद हम इस लोकेशन पे आए हैं। लोकेशन तो अच्छी है बट यार बहुत सुनसान में आ गया यार ये एड्रेस मैंने गलत दे रखा है भाई, होटल वालों की गलती है ये। सब चढ़ेगा जब नीचे उतरेगा तो ऊपर भी चढ़ेगा। थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, भूख लग रही है, कुछ मंगवाते हैं, खाते पीते हैं फिर बोलते हैं बाय। यार ये इतनी देर से हीटर चला रखा है हमने, लेकिन हीटर की कोई औकात यहाँ पर कोई औकात नहीं है, यहाँ रखना पड़ता है हाथ। यहाँ सर गंदी जहाँ भुनती है ना वहाँ हाथ गर्म होते हैं। बस बाकी क्या है, पूनम की तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई है यार, देख लो तुम। पूनम की तबीयत ढीली है, बच्चे ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, ढीली इसलिए हो गई पता नहीं क्यों, इसको वोमिटिंग आ गई। एक बार वैसे आती नहीं है, इस बार आई है और जब से ये सो रही है मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये मतलब एक पावर नैप ले ले और थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी फिर ये अपने फॉर्म में आएगी, क्योंकि इसका तो एक ही काम है आपको पता है, वीडियो बनाना। ओ जैसे आपको इसकी आज की एक दो वीडियो दिख जाएगी शाम तक। चलो यार अब हम भी आराम करते हैं, खाना ऑर्डर किया, खाना खाते हैं। ठंडी ठंडी फुल ठंडी मतलब बर्फ की सिल्ली ऐसे लग रहा है। भाई गरम गरम खाना जल्दी से खाओ वरना ये ठंडा, इसमें क्या है पनीर मंगाया था ना उस पर आज। भाई थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी आने के बाद, पता नहीं क्या हो गया, माउंटेन सिकनेस हुआ या क्या हुआ, मेरा गला एकदम मतलब बैठ गया था। ओ भाई ये क्या हुआ, होटल वालों ने सपोर्ट कर दिया क्या, हम खोल तो सकते हैं, खोल सकते हैं, खोल सकते हैं ना भैया, हो तो बताना भैया सुबह जाएंगे। ठीक है बंद कर दिया। बहुत सारे स्टार दिख रहे थे, मैंने कहा DSLR से लूँगा पर अब आया तो अपनी है। अब थोड़ी देर में अब थोड़ा अच्छा लगा है ड्रोन लेने के बाद, तो अब हम वहाँ चलते हैं, वहाँ एक जगह है आपको दिखाता हूँ। यहाँ बैठने का बढ़िया कर रखा है भाई, देखिए थोड़ी बहुत आग है तो लकड़ी रखो, लकड़ी कैसी हो गई है। ओ भाई यार गीली लकड़ी है क्या भाई, तीनों ने मेहनत करी है, एक फूक दे, फूक पे दे फूक, और जो कुर्सी यहाँ पे जलेगी जलेगी। और आर्यन कम ऑन, वाह 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 वाह, कुर्सी भी तो देखो, अब मैं लाइट्स ऑफ तो रहा हूँ, बहुत ही अम्मा बहुत ही बढ़िया। भाई फिकर नहीं किसी बात की, सिस्टम पूरा पार्टी का माहौल बना हुआ है देखो। डैश फटे तो अब चलते हैं रूम में, हो गया आज का दिन कंप्लीट। बाय गुड नाइट। नेक्स्ट व्लॉग सर ये देखो टायर के निशान, यहाँ मेरी गाड़ी घूम रही थी क्योंकि मुझे अभी तक अंदाजा नहीं था कि ब्लैक आइस आ गई है, एक दिन ब्रेक मार दी मैंने और यहाँ पर मेरी गाड़ी एकदम घूम गई और घूम घूम के इस तरफ हो गया गाड़ी का। वेलकम टू नारकंडा भाई, नारकंडा।